कितने फॉर्म पड़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा और किस तरीके से फर्दर हम 230 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो फॉर्म है कितने भरे जा चुके हैं अब तक की कंडीशन में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है साथियों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज है 16 जनवरी जहां फॉर्म की लास्ट डेट है ना, और अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, 48 लाख प्लस फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं। और आप ये मत समझना कि दीदी अब तो बच्चे नहीं भरेंगे फॉर्म, अब भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म भरेंगे। मतलब ये डाटा आपका कितना पहुंच जाएगा, लगभग 50 लाख फॉर्म आपके पड़ जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। वैसे भी आपका जो पूरा डाटा है वो तो आना ही है, फॉर्म भर जाएंगे उसके एक दो दिन बाद आपका पूरा डाटा आ जाएगा, लेकिन 48 लाख प्लस फॉर्म भर चुके हैं, इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि करेक्शन डेट के लिए हमको कितना समय मिलेगा। 2 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन के लिए। ठीक है, फॉर्म में जो भी जैसी भी आपकी करेक्शन हो गई हो आप उसको 2 दिन में सही करवा लीजिए, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, देखो 50 लाख फॉर्म है, अब आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है। 50 लाख में आप कितनी वैकेंसी है, 60,244, इतने पदों का भाग देते हो तो 82.995 ऐसे करके कुछ संख्या आती है। मतलब कि हम एक सीट पर 83 बच्चों का कंपटीशन मान सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा बड़ा कंपटीशन है, छोटा है। ठीक है, आप इसको ज्यादा बड़ा ना समझें। मैंने ऐसा ऐसा कंपटीशन देखा है, एक सीट पर 500-600 बच्चे फाइट करते हैं, तो ये तो फिर भी बहुत छोटा कंपटीशन है। आपको अपने आप को मोटिवेशन के साथ रखना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। अब मैंने आपसे एक और बात बोली है, कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखो भाई, जब एज रिलैक्सेशन मिला है हर एक कैटेगरी को, जायज है, कंपटीशन तो है। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ने का तरीका चेंज करें कि हाँ मुझे अब हर बच्चे की तरह नहीं पढ़ना, अब मुझे स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको पता है सिलेक्शन उसका होता है जो स्मार्ट स्टडी से पढ़ाई करता है। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ऐसे पढ़ते हैं, मैंने खुद देखे हैं, जिनको आता है, जो टॉपिक इनको आते हैं ना उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, नहीं आने वाले टॉपिकों को छूते तक नहीं है वो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताती हूँ, कैसे आप 230 नंबर लेकर आ सकते हैं, सेफ स्कोर भी बताऊंगी। ठीक है, कट ऑफ नहीं बता रही, कट ऑफ तब बताई जाती है जब पेपर हमारे हाथ में हो, हम पेपर को देख लें। सेफ स्कोर का मतलब ये है कि भाई हाँ हमारे सामने सेफ स्कोर है, इसको देखकर हम अपनी तैयारी कर लेंगे, हम इस सेफ स्कोर तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सेफ स्कोर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हमको तैयारी कैसी करनी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। जैसे आपने हिंदी की ठीक है, चलो मान लो आपने हिंदी का ही मॉक टेस्ट लगा लिया, हिंदी का मॉक टेस्ट आपने लगाया, अब हिंदी का मॉक टेस्ट लगाया, 37 क्वेश्चन आए, आपने भाई 30 क्वेश्चन कर दिया सही और आप हो गए बहुत खुश कि मेरा तो 30 क्वेश्चन सही है, अब मेहनत नहीं करूंगा मैं इस पे, क्योंकि 30 अच्छे हैं मेरे, 30 क्वेश्चन एकदम सही है। देखो, जो 7 क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहे या आपने गलत कर दिए है ना, ये बहुत बड़ा आपको रिस्क पहुंचा सकते हैं, समझ रहे हो, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये 7 क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो, 7 क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से गलत हुए हैं, या 7 क्वेश्चन आपको आए नहीं है तो वो किस टॉपिक से नहीं आए, तो उस टॉपिक को आप अपना 100% तैयार करो। देखो, हम पे जो आता है हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आते हुए भी हम चीजों को
पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। भाई वो तो हमको आता है ना, जो नहीं आता उस पर काम करना है, समझ रहे हो मेरी बात को, जो नहीं आता उस पर काम करना है। जैसे रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दीदी हम पे कैलेंडर नहीं आता, कि दीदी हम पे कैलेंडर नहीं आता। आप पे इस वजह से नहीं आता क्योंकि आपने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की। एक बार पढ़ने की कोशिश करो, मैं खुद कहती हूँ, आप मुझसे दूसरे दिन कहोगे कि दीदी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कैलेंडर, आप पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, कैलेंडर का मान लो आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो आपका कैलेंडर से क्वेश्चन गलत हो गया, अब आप कह रहे हो नहीं बहुत बड़ा टॉपिक है मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपनी गलती को तुरंत तुरंत सुधारो कि मेरा गलत कैसे हो गया, अच्छा ये टॉपिक मुझसे नहीं आया था तो मैं आज इस टॉपिक को करूंगा। ठीक है, जब आपने इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना ली ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं पहली कह रही हूं। और बात करते हैं सेफ स्कोर की, जितने भी मेल हैं किसी भी कैटेगरी से हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका कट ऑफ यही जाएगा, मैं बस ये कह रही हूं कि आप अपना टारगेट 230 नंबर तक लेकर चलें। 230 नंबर तक टारगेट लेके चलने में क्या वो है, क्या दिक्कत है आपको बताओ, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बड़ा हम सोचते हैं ना, तो छोटा तो अपने आप मिल जाता है, छोटा अपने आप मिल जाता है। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैंने बताया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा तो मैथ बढ़िया है, हमारी तो हिंदी अच्छी है, हमारी तो रीजनिंग अच्छी है, जीएस में हमें डर लगता है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, तीन सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, बिना जीएस के आप 230 नंबर ले आओगे? नहीं लेके आ पाओगे। बिना जीएस के आप 230 नंबर नहीं लेके आ पाओगे। जीएस में यूपी जीके पढ़ो, है ना, यूपी जीके पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, स्टैटिक पढ़ लो, ज्यादा कुछ मत पढ़ो। जीएस में 3-4 आपके टॉपिक ऐसे हैं जो वहीं से आप कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है डर। हमको डरना नहीं है, हमको डरना नहीं है। आप कहते हो कि भाई बस नौकरी लग जाए, कहने से नहीं लगेगी। कहने से क्यों नहीं लगेगी? हर एक बच्चा सोच रहा है कि उसकी नौकरी लग जाए, हर एक बच्चा है ये, ठीक है, लेकिन सफल वही होगा जिसका टारगेट फिक्स होगा, जो मेहनत करेगा, जो अपने आप को घिसेगा, घिसना मतलब अपने आप को चमकाएगा, वही तो चमकेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है साथियों, आई होप कि आपको ये सारी कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद साथियों।